नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश ने तबाही मचा दी है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का बुरा हाल है। साल भर से अच्छे मौसम के लिए जाने जाने वाला सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु भी इस बारिश से तर बतर हो गया है। बारिश ने बेंगलुरु की रफ्तार कम कर दी है। घर, सड़क, दफ्तर, स्कूल सब बारिश के आगोश में हैं। सब जगह पानी भरा हुआ है। महंगी गाड़ियां और कैब की जगह ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनें ले रही हैं। आईटी प्रोफेशनल्स ट्रैक्टर बुक करके दफ्तर जा रहे हैं। बच्चे जेसीबी पर बैठकर स्कूल जा रहे हैं। लोगों की महंगी ऑडी और मर्सिडीज कारें पानी में तैर रही हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। जहां तक नजरें जा रही हैं, पानी ही पानी नजर आ रहा है। बेंगलुरु की महंगी से महंगी सोसाइटी पानी की चपेट में है। कई लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। बेंगलुरु में करीब 10 दिन से हो रही भारी बारिश और उसके बाद बाढ़ जैसे हालात ने कहर बरपा दिया है। बेंगलुरु के कई इलाके पिछले कई दिनों से पानी में डूबे हुए हैं। आम जनता की तो छोड़िए, अमीरों के घर भी पानी में घुस गए हैं। उनकी महंगी गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। सबसे बुरा हाल बेंगलुरु के एप्सिलॉन इलाके का है, जहां की महंगी सोसाइटी पानी में डूब गई है। यहां बड़ी कंपनियों के फाउंडर और सीईओ रहते हैं। ये इलाका भी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। इस कम्युनिटी में चुने हुए 150 लोग रहते हैं, जिनमें विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी, ब्रिटानिया के सीईओ वरुण बेरी, बिग बास्केट के को फाउंडर अभिनय चौधरी और बायजूस के को फाउंडर बायजू रविचंद्रन शामिल हैं। एप्सिलॉन में देश के जाने माने कॉरपोरेट से लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने विला खरीदा है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। एप्सिलॉन सोसाइटी में विप्रो के फिलहाल यहां बंगलों के बाहर खड़ी लेक्सस, बेंटले, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और रेंज रोवर जैसी कारें पानी में डूबी हुई हैं। आपको बता दें कि एप्सिलॉन में एक सामान्य विला की कीमत 10 करोड़ रुपये है। यहाँ पर प्लॉट के साइज के हिसाब से कीमतें बढ़ती हैं। एक एकड़ के प्लॉट की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए रहती है। इतनी महंगी सोसाइटी होने के बाद भी ये बारिश की मार से बच नहीं पाई। यहाँ रहने वाले अमीरों को भी नाव के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। एडटेक प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के सीईओ गौरव मुंजाल के परिवार और डॉग को ट्रैक्टर पर रेस्क्यू किया गया। इसका वीडियो भी तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं बेंगलुरु के बागलकोट की नहर पर बने एक पुल को पार करने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। इसकी आर्म पर स्कूली बच्चे थे, जिन्हें रास्ता क्रॉस करवाया गया। तो दूसरी तरफ अमेज़न, स्विगी जैसी ई कॉमर्स कंपनियों ने भी बारिश और बाढ़ के चलते कुछ समय के लिए अपनी सर्विसेज सस्पेंड कर दी हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराव बोमई ने स्थिति को चुनौतीपूर्ण बताया है और इसके लिए प्रदेश की पहले की कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में और ख़ास तौर पर बेंगलुरु में जितनी बारिश हुई है, उतनी पिछले 90 सालों में नहीं हुई। लेकिन सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।